पूरे उत्तराखंड में लगातार पहाड़ी से लेकर मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे नदियों के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसे देख ग्रामीणों में भय का माहौल भी व्याप्त है। वहीं प्रशासन ने भी नदी किनारे बसे गांवों का दौरा किया और जनता को बचाव के लिए नदी किनारे वाले गांवों को खाली करने के फरमान जारी किए हैं, जिस पर जनता ने ही प्रशासन व क्षेत्र जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की पोल खोलते हुए कहा है कि यदि प्रशासन सचेत होता तो बरसाती मौसम में नदी के तेज बहाव से पहले ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए नदी किनारे पत्थरों की पिचिंग की व्यवस्था पहले ही की जाती होती। वहीं ग्राम प्रधान ब्रजेश कुमार ने बताया है कि फीका नदी के तेज बहाव के चलते जहां राजपुर गांव को बड़ा खतरा बना हुआ है, वहीं किसानों के नदी ही चीनी मिल पर भी बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजपुर के बीच ये जो नदी फीका नदी के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात इस बार कम होने के कारण जो मानसून वापसी में अब दोबारा लौटा है, चार दिन लगातार वर्षा होते हुए हो गई है, उसी के बीच चलते हुए ये नदी विकराल रूप ले हुई है। नीचे नांदेड़ चीनी मिल को पूरा खतरा बना हुआ है और जंगल काफ़ी काट दिया है इसने और लगातार काट रही है। उसको सूचना लिखित में दी गई थी, उन्होंने जेसीबी मशीन से थोड़ा सा नाली खुदवाई थी, वो उतच्चे नहीं थी, फिर भी नहीं माने। पिछली वर्ष भी कराया था, उससे कोई बेनिफिट इसका नहीं है, हर वर्ष बताया जा रहा है, पर प्रशासन बरसात के समय में भी ध्यान देता है, बाकी खाली समय में कभी ध्यान नहीं देता है। अभी कोई किसी का ध्यान नहीं हुआ है और चीनी मिल भी नीचे सरकारी होने के कारण भी तब इसका ध्यान नहीं है। अगर इतना बड़ी पैसे की संपत्ति सरकार की लगी है तो अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। फीका नदी है और जल का तनाव बहुत तेज है और ये बांध को तोड़ने के लिए है, इसके टूटने से फैक्ट्री में भी काफ़ी क्षति होगी, तो में घुसने की आशंका है। दो दिन तो सर कोई सुविधा दी नहीं गई है यहाँ पर, लेकिन ये है कि यहाँ पर जैसे जल स्तर बढ़ा हुआ है तो सूचना हमने एसडीएम साहब को दे दी है कि बंदे के लेवल पर जल स्तर आ गया है और यहाँ पर अभी एक हमने सर्वे भी कराया है कि एक दीवार चेतराम सिंह की गिर गई है, तो उसकी रिपोर्ट हम आगे दे देंगे। अभी पटवारी साहब यहाँ आते होंगे तो उसका मौका मुआयना कर लेंगे, जो भी एसडीएम स्तर से ही होंगे वहाँ जो भी व्यवस्था कर रखी होगी, हमें केवल सूचना देनी है यहाँ से तब कोई भी यहाँ पर बात होती है। इसलिए अभी तक तो नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, हो सकता है कि 2 बजे के बाद आए, क्योंकि ये तो 24 घंटे की है ना, कि जैसे 6 से 2 कोई रहेगा, 2 से फिर 6 तक कोई रहेगा, फिर 6 से रात के 10 बजे तक कोई रहेगा, तो वो कंटिन्यू चल रही है। टीम के द्वारा लगातार फील्ड में विजिट किया जा रहा है और हम लोगों ने भी, मैं खुद स्वयं ही अभी राजपुर गांव से होके आ रही हूँ और अभी हम खाली को जा रहे हैं खाली पार्क को, तो जैसे वहाँ पर जाके देखा कि जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था, क्योंकि सुबह के टाइम पे 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और अभी मौके पर 4,000 क्यूसेक पानी था, तो ये संभावना है कि शाम होते होते पानी का स्तर थोड़ा सा घट जाएगा, लेकिन क्योंकि मौसम अभी भी ख़राब ही है और अभी हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम को देख के लग रहा है कि दोबारा से बारिश शुरू होगी, तो अभी मौके पर अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी नदी के ऊपर न जाए और जो किनारे पर बसे हुए हैं उनको अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सुखी भी किया जाएगा। क्योंकि राजपुर में मैं स्वयं गई हुई थी तो वहाँ पर हम लोगों ने अलर्ट कर दिया, हम लोगों ने कह दिया कि जितने भी लोग नदी के किनारे, हालांकि जो पानी का लेवल है अभी गांव की ओर को नहीं आया है और फिर भी उसके बावजूद हम लोगों ने एक जो स्कूल है उसको चिन्हित किया है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो परिवार को वहाँ से किया जाएगा। की ओर मैं सिंचाई विभाग की टीम भी आई हुई थी और मेरी मैं भी वहाँ पर मौके पर थी और मैंने अभी उनसे बात भी की है, तो उसमें 2 करोड़ का एस्टिमेट उनके द्वारा दिया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले भी वहाँ पर बंदा बनाया गया था, लेकिन जो बंदा बनाया गया था वो रेत बजरी का बनाया गया था। गाँव में की डिमांड भी है कि जो बंदा है पत्थरों का और मजबूत हो, तो इसी की अभी एस्टिमेट भी किया है और तात्कालिक व्यवस्था के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित कर दिया है कि तत्काल ही उसमें जो सुरक्षात्मक उपाय है वो कर। प्रशासन बरसात में ही अलर्ट होता है, बरसात से पहले कोई मुड़के देखो नहीं देखता। हम लोगों ने कई बार लिख लिख के भी दिया कि यहाँ पर जो है पिचिंग होनी चाहिए, पत्थर वाली पिचिंग, कट्टा भर के उसमें कट्टे में रेत भर के नहीं रुकेगा, जब तक एक बार पिचिंग नहीं लगेगी तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये गांव आज गांव भी और फैक्ट्री भी बहने के कगार पे है, अगर इसका इंतजाम पहले ही किया जाता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता।
सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने जो नदी के किनारे घर थे उन्होंने अपने घर खाली कर दिए हैं, उन्हें इधर उधर शिफ्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। एक दूसरे के घरों में जो घर अंदर की तरह उन्हें उधर बताया जा रहा है। एक चौकी बनाई गई है लेकिन बाढ़ चौकी में कोई ऐसा संसाधन नहीं है किसी आदमी को, किसी व्यक्ति रुकते व्यक्ति को बचाया जा सके। ना कोई रास्ता है, ना कोई ट्यूब है, ना कोई नाव है, किस तरह का बाढ़ चौकी है, केवल रजिस्टर में मेंटेन है और क्या है बताइए।